सिद्धार्थनगर जिला स्थित भाजपा जिला कार्यालय लोकसभा चुनाव संचालन समिति की बैठक को संबोधित करने आए उत्तर प्रदेश भाजपा महामंत्री और विधान परिषद सदस्य एवं गोरखपुर क्षेत्र के प्रभारी गोविंद नारायण शुक्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 37 बिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता को टास्क दिए गए हैं। उन्होंने कहा, आज की बैठक इन 37 बिंदुओं में जो काम कार्यकर्ताओं को दिए गए वो कितने पूर्ण हुए उनकी समीक्षा और आगे जो काम चुनाव तक करने उन पर चर्चा की गई। गोविंद नारायण शुक्ल ने कहा, सिद्धार्थ नगर की डुमरियागंज लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी पिछले चुनाव से ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश की 80 के 80 सीटें वे जीतेंगे और अभी फर्स्ट फेज के चुनाव में 8 सीटों पर मतदान हुए। इन 8 सीटों पर भी भाजपा ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। सिद्धार्थ नगर से दैनिक भास्कर के लिए अब्दुल्ला सिद्दीक की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिकोण से लोकसभा चुनाव की एक संचालन समिति प्रदेश ने बनाई है। उसमें सभी प्रकार के 37 प्रकार के काम हैं, जिन कामों को हम कुछ प्री इलेक्शन में किए हैं और पोस्ट इलेक्शन तक करते रहेंगे इलेक्शन तक। ऐसे उन सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक थी, जिसमें हमने अभी तक लाभार्थी संपर्क अभियान जो हमारा मतदान के एक दिन पूर्व तक चलेगा, ऐसे लाभार्थियों से संपर्क करने की योजना थी। और मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पर 94,000 से अधिक लाभार्थियों से संपर्क करने का काम, जिसका डाटा सरलाइव पर उपलब्ध है, आज उनकी बैठक हुई है। प्रचार प्रसार, घर घर संपर्क अभियान, वीडियो बैन के माध्यम से संपर्क, सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क, और इसके साथ साथ प्रत्याशी सहित पार्टी के सभी नेता कैसे जन जन तक पहुँचें, और केंद्र और प्रदेश सरकार की जो डबल इंजन की सरकार की गरीब कल्याण की नीतियां हैं वो जनता के बीच में ले जा कर के उनसे आशीर्वाद स्वरूप हम अपने मत को प्राप्त करें, उनसे मांगें, इसके लिए आज हमारी ये बैठक हुई है। अपने जिस सीट पर आज हमारी ये बैठक हो रही है, हम कह सकते हैं कि हमारी यह सीट यहाँ से जगदम्बिका पाल जी हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी पिछले बार से अधिक मार्जिन से चुनाव जीतेगी। उत्तर प्रदेश में 80 से 80 लोकसभा सीट का लक्ष्य हमने रखा है और अभी जो फर्स्ट फेज के चुनाव हुए हैं उसमें सभी सीटों को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मुझे विश्वास है। और पार्टी का नेतृत्व के प्रति उत्तर प्रदेश की जनता, मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी और योगी जी दोनों के लिए एक तरह से प्रतिबद्ध है कि हर चुनाव में 2014 में हमारा वोट बढ़ा, उसके बाद 2017 के चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ा, 19 के चुनाव में भी हमको जनता का जो वोट मिला बीजेपी को वो मत प्रतिशत बढ़ा है और 24 में भी और अधिक मत प्रतिशत आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता मतदान करेगी।